हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीवी के द्वारा जो ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 में हुआ था उसका पूरा पेपर एनालिसिस मैं करवाने वाली हूँ। आपके पेपर पैटर्न और आपको लेवल वगैरह एग्जाम का पूरा के थ्रू पता चल जाएगा इस पेपर के थ्रू। तो ये जो एग्जाम पेपर है ये 6 नवंबर 2016 का है और इस बार आपकी जो 2020 में टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो है आपकी 17 से 20 अक्टूबर 2020। तो मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, इसके थ्रू मैं आपको पूरा बताऊँगी कि पेपर क्या है, पैटर्न क्या है और इसमें जो ये एग्ज़ाम पेपर है ये ऊपर ट्रेड वालों के लिए है। तो मैं ट्रेड वाइज प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल करवा दूँगी, साथ में आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज के और ये आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ट्रेड से रहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनसे ही अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसमें जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए रहते हैं, है ना, और आंसर्स भी दोनों में ही रहेंगे आपके एमसीक्यू टाइप। तो आपको इसमें टिक लगाना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पूरे 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पहले अपन 25 जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें कि जॉन्डिस इज अ सिम्पटम ऑफ डिसीज ऑफ, मतलब पीलिया यानी कि जॉन्डिस किसके रोग के लक्षण हैं, ठीक है। तो ये है पैनक्रीज, अग्नाशय, किडनी, गुर्दा, थायराइड, गलग्रंथि और लीवर या जिगर। तो इसमें आपका आ जाएगा जिगर या लीवर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जिसका लास्ट ऑप्शन है फोर्थ नंबर ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीलिया यानी जॉन्डिस होते हैं वो लीवर रोग का लक्षण है, ठीक है। इसमें जो लीवर की बीमारी होती है, ठीक है, इसमें जो हमारा शरीर का पार्ट है वो लीवर पार्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल यू फाइंड द सतखंडा पैलेस। सतखंडा पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा में पैलेस है जो या महल है वो पाएंगे। तो ये है छतरपुर, दतिया, मुरैना और टीकमगढ़। तो जो सतखंडा महल है, सतखंडा पैलेस है, वो है आपका यहाँ पे दतिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है सतखंडा महल, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि जो लता मंगेशकर है द फेमस सिंगर वाज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो इंदौर स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है जिनमें से आपको देखना है। तो जो लता मंगेशकर थी वो इंदौर शहर से थी, ठीक है। हाँ, वेयर इज डीजल लोकोमोटिव बर्थ DLW सिचुएटेड। टू डीजल रेल इंजन कारखाना DLW कहाँ स्थित है। तो जो DLW या रेल इंजन कारखाना है ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरे आके पूछे जाएंगे आपका क्वेश्चंस आपसे इस टाइप के। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल कैसा है और जो MPG के आती है उसमें देखिए आपको जनरल साइंस से भी इसमें क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, और MPG के से भी क्वेश्चन आ गया है, MP करेंट अफेयर वगैरह से भी क्वेश्चन है इसमें। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारा भी यहाँ पे इस टाइप के जो MPG के मतलब कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड भी एक दो GK के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, और साथ में आपका जो FT वगैरह रीजनिंग रहेगी उनसे भी पूछ लेते हैं इसमें। तो अब देखिए ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश ऑन विच ओकेजन इज देवारी फॉर्म ऑफ सॉन्ग संग। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश GK से रिलेटेड है। तो ये मध्य प्रदेश के जितने भी ये हैं तो ये मतलब कि जो यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं अन्य अन्य राज्य में जो आदिवासी लोग जो त्यौहार मनाते हैं, गीत गाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी याद रखना है आपको। तो जो इन मध्य प्रदेश ऑन विच ओकेजन इज दिवाली फॉर्म सॉन्ग संग, ठीक है। तो वो जो होता है दिवाली सॉन्ग वो दिवाली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। इस टाइप से आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। तो आप लोग ये पेपर डाउनलोड कर लेना और फिर इसका प्रिंटआउट वगैरह निकलवा के भी रख सकते हैं या फिर आप लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं सॉफ्ट कॉपी यूज़ करके, ठीक है। अब देखिए माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी, दूसरी आत्मकथा का नाम क्या है। तो ये भी देखिए, तो ये है रागमाला इनकी दूसरी आत्मकथा का नाम, ठीक है। तो ये जो पंडित रविशंकर थी ये भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया। तो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब देखिए 1919 में किसने विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर किसके में किसके 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी। तो किसके विरोध में, जलियांवाला बाग
जन संघार के इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अब ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो है तुलसी पुरस्कार। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी और ये लोक संगीत कला और जो जो मध्य प्रदेश में मतलब फेमस है, मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क वगैरह है उनसे। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है तो कौन सा है, दतिया जिला है। ठीक है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है, तो वो है पंडित कुंजलाल दुबे। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन, जैसे साइनस क्या है, तो साइनस ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया है कि साइनस क्या है। तो साइनस क्या है, द कैविटी कनेक्टिंग द स्कल ऑफ द नोस्ट्रिल्स। ठीक है, करोटी तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका, तो ये आपका जनरल साइंस का था। ये मध्य प्रदेश के जीके से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक, क्योंकि फसलों वगैरह से भी पूछ लिया है, तो जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस टाइप से मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछ लेता है। भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो देखो जो मधुबनी चित्रकला पेंटिंग है उसके लिए भी पूछ ले, तो ये बिहार राज्य है। तो देखिए आसपास के जो राज्य वगैरह हैं उनसे रिलेटेड भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एमपी जीके तो पढ़नी है और साथ में जो आसपास के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या करेंट में चल रहे हैं तो वो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम द्वीप जिला है वो है मांजुली। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखिए खेल वगैरह से भी, ये का स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लेता है कि कौन सा भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर वन रैंकिंग पर हैं, तो वो है सानिया मिर्जा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश करेंगे, ये ऑल इंडिया का स्पोर्ट्स का करेंट अफेयर है वो पूछ लिया। आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स यहाँ पे पूछ लिया है, मध्य प्रदेश जीके से यहाँ पे पूछ लिया है, तो वो है यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। फिर है संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, तो भारत की आपातकाल निधि या कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेंगे कि भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, इसका नाम बताइए, तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। ठीक है, और किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना BKRY का आरंभ किया है, तो वो है उड़ीसा। ये देखिए है ना, तो ये एमपी करंट अफेयर के अलावा अदर करंट अफेयर भी पूछ लेता है। करंट अफेयर आपको सारा पढ़ना है, बाकी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड एमपी जीके पढ़नी है मोस्ट। ठीक है, तो इसमें है ब्रह्म राक्षस खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था, तो ब्रह्म राक्षस वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा, जी एम मुक्तिबोध के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका GM मुक्तिबोध। ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन आते हैं, इनका लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए कि किसका कौन क्या है, किससे क्या रिलेटेड है। ठीक है, अभी यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, भीमबेटका। ठीक है, अब ब्लैंक इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, तो भारत का सबसे बड़ा नदी का द्वीप कौन सा है, तो जो ये है मांजुली। अभी देखिए मांजुली से एक और क्वेश्चन आया था, अभी ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो अब आप 25th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो वो है सुंदरबन। तो ये देखिए आपका वर्ल्ड से रिलेटेड आ गया यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको इस टाइप के जो मध्य प्रदेश जीके और अदर स्टेट से जीके वगैरह से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ने हैं। और है ना, आप देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद आता है जो टॉपिक आपका 75 क्वेश्चन, आपके 75 क्वेश्चन वो आते हैं आपके ट्रेड वाइज। तो ये जो ट्रेड है ये है कोपा के लिए, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, और प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पढ़े तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखें, और साथ में जिन लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी टाइप की और वीडियो मिलती रहेंगी। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर MPITITO 2020 करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें MPGK MP करंट अफेयर वगैरह है, वहाँ पे वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी उसमें प्लेलिस्ट में जाकर। और आप लोग जो मतलब मैं वीकली करंट अफेयर की भी वीडियो बना कर देती हूँ मध्य प्रदेश जीके की, तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ पर प्लेलिस्ट में। तो अभी दो करंट अफेयर की टेस्ट मतलब दो करंट अफेयर
की जो PDF है वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और जो करंट अफेयर वगैरह भी चल रही हो, साथ में MPGK वगैरह भी, तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं, जो नए नए मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स आती रहती हैं आप लोगों के, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम टेस्ट हो, और उनसे रिलेटेड नई अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से रिलेटेड आता है, इसमें आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है, तो एट्रीब्यूट होल्ड्स द जावा स्क्रिप्ट वर्जन, तो मतलब ब्लैंक एट्रीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है तो किस में होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो है यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा है, आपका एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल मतलब कि आप इजी टू मॉडरेट समझे, हार्ड लेवल तो इसमें है ही नहीं। आप मोस्टली 5-10% आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो जिनका लेवल टफ होगा, जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे, आपने पढ़े नहीं होंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो अगर आपने अच्छे से भी पढ़े होंगे ना तो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट अ टाइम, मतलब ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है, तो वो कौन सा है, आपका बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग जो है वो एक समय में एक प्रोग्राम को ही रन होने की अनुमति देता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इनका जो लेवल है वो कितना इजी है, और मतलब कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट है। जैसे अब ये देखिए आप थर्ड नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, तो निम्न में एक संचयन उपकरण या डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी है इनमें से एक स्टोरेज डिवाइस, तो वो है आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD, ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें स्टोरेज डिवाइस पूछी है जो मतलब स्टोर कर सके डाटा को, तो वो पेन ड्राइव भी है, हार्ड डिस्क भी है और CD भी है, ठीक है। तो इन सब में अपन डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि टेबल में किसी विशिष्ट रो या पंक्ति को ज्ञात करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई अ यूनिक रो इन अ टेबल, तो वो किसको किया जाता है, तो की, ठीक है, की का यूज किया जाता है किसमें, आइडेंटिफाई अ यूनिक रो इन अ टेबल, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। इस प्रकार से अब आप देखिए ये माउस से कौन सा क्वेश्चन है इसमें, कि जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो ब्लैंक सबसे उपयोगी टूल होता है, तो कौन सा होता है इसमें, माउस, माउस का उपयोग करके आप विंडो पर वर्क कर सकते हैं, कर्सर को इधर उधर ले जा सकते हैं और पॉइंट्स को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है ईथरनेट तथा टोकन रिंग ब्लैंक के प्रकार है, तो ये किसके प्रकार है, लैन के, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के ये प्रकार हैं, ईथरनेट एंड टोकन रिंग, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरे क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं आपको लोगों को ये पेपर पैटर्न और ये बताई थी, तो आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 आपके करंट अफेयर से, मतलब 25 आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, और उसके बाद जो आपके 75 क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड वाइज रहेंगे, तो आप लोग जिस ट्रेड से डालेंगे उसी ट्रेड से आपको मिलेंगे। ऑनलाइन पेपर होगा आपका, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और लेवल बहुत इजी रहता है, तो आप लोगों के पास बेस क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों को बुक्स वगैरह भी मैं बता चुकी हूँ बुक्स वगैरह की भी, मतलब आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप लोग बहुत प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, वॉच कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो अब आप लोग देखिए, जैसे ये है आपका एक क्वेश्चन, तो इसमें 13 नंबर के ब्लैंक इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या नहीं है, तो DBMS एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी आपका MCA, फी, अवास्ट, ठीक है, और अभी ये सारे आपके जो हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, बाकी DBMS नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे DBMS, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन वगैरह इसमें आते हैं, तो इसके लिए आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बुक्स वगैरह भी आप लोग देख लेना, बुक्स और जो आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हों उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इस टाइप के आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करवाने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो वगैरह और भी इसी टाइप की देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 27 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ब्लैंक इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन नहीं है, डॉस, लाइनेक्स, विंडोज या ओरेकल, तो ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी आपका विंडो, लाइनेक्स और डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे ओरेकल, ठीक है।
तो इस टाइप से ये पूरे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो ये जैसे 28 नंबर क्वेश्चन है, 29, इसी टाइप से आप देखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे ये देखिए कीवर्ड्स जो है वो भी मिल जाएंगे कि शॉर्ट कीवर्ड्स कौन सी हैं। जैसे पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एम आप प्रेस करेंगे तो आपको जो पावर पॉइंट में आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि जो ये भी पूछ सकते हैं किसी का फुल फॉर्म एब्रीविएशन वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक। और ये जैसे कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करनी है और जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पढ़ें या बहुत ईजी पढ़ें, तो आप लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर बहुत हेल्पफुल रहते हैं इसीलिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर का पैटर्न किस टाइप का है, और यहाँ पे जैसे टोपोलॉजी वगैरह है, यहाँ पे कि जैसे ब्लैंक इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ब्लैंक टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, तो क्या नहीं है, स्क्वायर जो है वो टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। बाकी आपका बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, तो आप लोगों को ये पढ़नी है। और इसका जो सिलेबस वगैरह था वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे ITI TO है ना, रिक्रूटमेंट एस 2020 करके ऐसा प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है, तो उस पर आप देखेंगे तो इसका आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पे कि द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द DVD इज़, तो जो DVD की अधिकतम संचय क्षमता है तो वो कितनी है, 4.7 GB होती है, ठीक है। अब इन SQL ग्रांट इज अ ब्लैंक कमांड, SQL में ग्रांट एक ब्लैंक है, ब्लैंक कमांड है, तो DCL एक ब्लैंक कमांड है। ये देखिए आप यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कब ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देंगे आपको, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा हार्ड आते हैं, 5-10% हार्ड रहेंगे, बाकी आप 90% में से देखेंगे तो आपको 40-50% आपको मॉडरेट और 40-50% ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। जैसे HTTP इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर, HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, तो वो है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है HTTP, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर भी इसमें पूरे दिए हुए हैं, तो आप लोगों को मतलब आंसर सहित आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये देखिए इसमें कि जो है इज़ द बिगेस्ट हेडिंग इन HTML, ब्लैंक HTML में सबसे बड़ा हेडिंग है, तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4th, आपका इसका आंसर होगा, ठीक है, H1 वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए MS DOS इज़ अ ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS एक ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कमांड ड्राइव एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे MS DOS का, ठीक है। MS DOS इज़ अ कमांड ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इस टाइप से आपका रहेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पे 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सारे जो कीज़ वगैरह हैं, फुल फॉर्म वगैरह है, वो पढ़ लेना है, और कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी हैं, है ना, और विंडोज़, लिनक्स, ये सारे पढ़ लेने हैं, और जो जावास्क्रिप्ट वगैरह से भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, जावास्क्रिप्ट वगैरह आप लोगों को पढ़ना है। हाउ कैन अ वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है, तो वो है बार str फिर name, ठीक है, बार str name, इस टाइप से आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप, जैसे व्हाट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन MS Excel कोड, MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो वर्क को कहा जाता है। ये देखिए आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। इस टाइप से आप पूरे देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। जैसे पॉज इज, पॉज क्या है, तो पॉज क्या है, अ टाइम एंड प्लेस, वी आर अ रिटेल ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड, वह समय तथा स्थान जहाँ रिटेल ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अब इन HTML द फंडामेंटल टैग इज कॉल्ड एज, HTML में जो फंडामेंटल टैग होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें HTML ही कहा जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ इन DOS कमांड इज, तो वो कितनी है, 127 होती है DOS कमांड की मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। दी डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डेटा इज, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है वो क्या है, टेबल्स हैं। तो इस टाइप से ये पूरे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे आपको यहाँ पे 75 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए ये जो चीज़ वगैरह होती है उनसे रिलेटेड, ठीक है, MS Word में ये MS Word वगैरह से पूछा है। प्लॉटर इज़ अ डिवाइस, तो एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी यहाँ पे पूछ लिया है। ये सारे पूरे बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट स्टोरेज, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा संचय किसमें किया जा सकता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3rd इसमें होगा टेराबाइट, टेराबाइट में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, और सबसे कम अगर पूछे अभी इसमें तो किलोबाइट रहेगा, ठीक है। इसमें इस टाइप से आप देख सकते हैं, पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट आपका रहेगा यहाँ पे,
फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे टेरावाइट, ठीक है। तो जो टेरावाइट है उसमें आप सबसे ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, उससे कम गीगावाइट में, उससे कम मेगावाइट और उससे कम किलोवाइट, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन का लेवल इतना हार्ड नहीं है, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। बस आप लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है और मतलब कि अच्छे से अपना टाइम निकालें, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। अभी आपके पास 4-4.5 महीने हैं, तो आप लोग कंटिन्यूस इसकी स्टडी करें और मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, अपने टॉपिक्स पढ़ें, पहले थ्योरेटिकल उसका पूरा पढ़ें, फिर उसका जो मतलब कि एमसीक्यू वगैरह हैं उनको सॉल्व करें। और इस टाइप से आप लोग करेंगे तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।